हर हर महादेव भक्तों, भगवान शिव सदैव आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखें। दोस्तों, हरतालिका तीज की कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की थी। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थीं। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को बताया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी होती है और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करती है, उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसलिए व्रत करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जगकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तिल एवं आंवले के चूर्ण के साथ स्नान करें। नए वस्त्र या साफ सुथरा वस्त्र धारण करने के बाद पवित्र स्थान पर आटे से चौक पूर कर केले का मंडप बनाकर गणेश, शिव पार्वती की पार्थिव प्रतिमा बनाकर पूर्व की ओर मुंह करके सर्वप्रथम संकल्प लें। फिर उपलब्ध सामग्री के साथ पूजन करें। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमीपत्री अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरितालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, ब्रह्मा सनातन देवी, शुभ फल की दाता, जय पार्वती माता, अरिकुल कंटक नासनी, निज सेवक त्राता, जग जननी जगदम्बा, हरिहर गुणगाथा, जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साझे, कुंडल है साथा, देव वधु जस गावत, नृत्य करत्ता था, जय पार्वती माता। सतयुग रूपशील अति सुंदर, नाम सती कहलाता, हेमाचल घर जन्मी, सखियाओं संग्राता, जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हेमाचल स्थाता, सहस्त्र भुजा तनु धरिके, चक्र लियो हाथा, जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही है जननी, शिव संग रंगराता, नंदी भृंगी बीन लही, सारा जग मदमाता, जय पार्वती माता। देवन अर्ज करत हम, चरण ध्यान लाता, तेरी कृपा रहे तो मन नहीं भर माता, जय पार्वती माता। मैया जी की आरती, भक्ति भाव से जो नर गाता, नित्य सुखी रह करके सुख संपत्ति पाता, जय पार्वती माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, ब्रह्मा सनातन देवी, शुभ फल की दाता, जय पार्वती माता।